Good morning. Here's our breakfast. Ooh, okay, worms, eh? Pig? Yeah, look at tasty proteins. Oh, hello. Bachao! ये तो बस बड़ा सपना था। ओह, जान बची, चॉकलेट है मेरे पास। थैंक गॉड। क्या तुम्हारे पास? चॉकलेट? जंक फूड और कैंडीज अलाउड नहीं है। ये लो, पोरेज खाओ। नहीं नहीं ये नहीं, प्लीज। हेलो, आ बोलो। नहीं। पूछा रहे थे नहीं? उसको तो वो भी पोरेज याद है। रुको, किधर को जा रहा है? इमरजेंसी है सिस्टर, हमें ब्लड लाने को कहा था, देखो। ठीक है, पो। हे! ओह, तुम हो, मैं तो डर ही गया था। ये सब क्या है? ऐसे कपड़ों में क्यों हो तुम? हम तुम्हारे वास्ते कुछ लाए हैं। खून? मुझे खून की जरूरत है क्या? इतना खून? ओह, इसे पीऊं क्या? जी नहीं, ये तो आंखों में धूल झोंकने के लिए है। हम तो लाए हैं कोला। वाह, दिल को ठंडक मिल गई। चीयर्स। बेचारा जैकब अकेला फील कर रहा है, वो कुछ कर भी नहीं सकता। अरे सुनो, हमारे पास एक आइसक्रीम है, उसे दे दो क्या? जी क्यों नहीं, दे दो। सुनो, तुम आइसक्रीम खाओगे? ये लो। अरे नहीं, शायद सोफिया भूल गई है कि ये बेचारा तो हाथ भी नहीं उठा सकता। आइसक्रीम क्या खाक खाएगा? अयो, ये अस्पताल है कि कूड़ा घर? सोफिया को पता है कि वो इतनी सारी कैंडीज अंदर नहीं ले जा सकती। अब ये क्या करेगी? इन्हें छिपाना होगा। हाँ, आइडिया। ओ, कैसे है तुम? कैंडी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। वाह, तुम्हारा बेबी होने वाला है। अब चलो तुमको चेक करते हैं। नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। अयो, ये क्या? कैंडी? इतना हिम्मत? चलो जल्दी से जंप करो। कोटी कोटी। देखिए, यहाँ तो कैंडी की बारिश शुरू हो गई है। ये सब क्या है? बच्चा की कैंडी? मैं सारे लॉलीपॉप्स को अपने क्रॉक्स में लगा देती हूँ। ये लो मेरी सारी कैंडीज। ठीक है, इधर रखो। ओके। ए, रुकने का, ये तुम्हारे जूते पर क्या है? अभी इन्हीं जूतों का फैशन है। फैशन है? वाह, कितना सुंदर फैशन है। थैंक्स। पोपो, हमको भी नया शूज लेना मांगता। नर्स अपनी डॉक्टर दोस्त के साथ गपशप कर रही है। हाय दया, तुम्हारी भी हड्डी टूट गई है क्या? हाँ, क्या इत्तेफाक है। चलो एक काम करते हैं, हमारे नए एक्सरे स्कैनर से तुम्हारी गर्दन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया आइडिया है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। आइए चलो ना, आओ ना, आओ। सोफी काफी अजीब बर्ताव कर रही है ना? ऐसा क्यों? क्या वो कुछ छिपा रही है? ओ नहीं, भांडा फूट गया। उसने गर्दन के पट्टे में स्किटल्स छिपाए हुए थे। अरे, प्लास्टर तो डॉक्टर ने भी बांधा हुआ है, उसे भी चेक करो। नहीं नहीं, काहे, हमारा चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। डॉक्टर बहुत डरी हुई लग रही है, पता नहीं क्यों। क्या डॉक्टर ने भी कुछ छिपा रखा है? यकीन नहीं होता। अरे नहीं, डॉक्टर ने भी कैंडीज छिपा रखी है। ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं था। और सोफी को देखो, मौका पाती अंदर चली गई है। अरे, ये लड़का कौन है? ओ, ये तो क्लोई है। बढ़िया भेस है। ए ए, वही रुक छोटू, क्या लाए बता? वो साहब, अपन मिस्त्री है, टूटी फूटी चीजें ठीक करने के वास्ते आया है। ठीक है, ये तो किले हैं। और बीच में क्या रखा है? क्या क्लोई ने बक्से में स्नैक्स छिपा रखे है? एक मिनट, कोई फोन कर रहा है। हेलो, भाग लो इससे पहले कि वो। ए छोटू, कहाँ जाता है? अब फोन करने के लिए थैंक्स। सुनो, अंदर लाइट में कुछ प्रॉब्लम है, चल देख ले जरा। वो अपुन देखे साहब। अबे चल, क्या इधर उधर देख रहा है? कितना टिंगू है रे तू। देख, चल फटाफट ठीक कर दे इसे। करता है अपुन।
हे भगवान, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, अब मैं क्या करूं? तू ठीक कर लेगा ना? अपन सब कर लेगा साहब, आप जरा ये पकड़ो, अच्छे से पकड़ना। हाँ, अरे नहीं, ये तो लाइट ही चली गई। पर क्लोए, यही मौका है, उसे अंधेरे में कुछ नहीं दिखेगा। तुम चुपचाप से अपना काम कर लो। कितना अंधेरा है। मेडिसन, कौन आया है? अरे प्लीज चिल्लाओ मत, सब ठीक है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। सबसे पहले ये लो चॉकलेट, जल्दी पकड़ो। और अब देखो कमाल, इससे पहले कि इंस्पेक्टर होश में आकर तुम्हारे कान पकड़े, जल्दी से ये खजाना छिपा लो। एक, दो, तीन, चार, 105, 106, 107, हो गया आज का वर्कआउट। बढ़िया, बाय। ओ वैसे मैडम, आप जा कहाँ रही हैं? लेडीज रूम जाना है, इजाजत है? हाँ, वो भी कोई पूछने की बात है। अब प्लीज उस तरफ जाइए। थैंक्स। क्या आता है? अरे पर बाथरूम तो उस तरफ है, ये उस तरफ क्यों चली गई? अजीब बात है। चलो मैं तो अपना सेट पूरा करूं। 8, 9, 10। देखो तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाई हूँ। कोला, जल्दी से पी लो, इससे पहले कि पुलिस वाला आए। अब इसे छिपा लो। सुनिए मैडम, बाथरूम इधर नहीं है। हाँ, सॉरी, वो मुझे लगा कि इधर है। और ये इतना अजीब क्यों है? अबे कहाँ देख रहा है? अरे मार डाला। लो जल्दी छिपाओ। यकीन नहीं होता, उसने आपको लाफा मारा सर। इन औरतों को कोई नहीं समझ सकता। इधर इन लोगों की तू तू मैं में चल रही है, उधर क्लोए को चुपचाप कैंडी ले जाने का मौका मिल गया है। ओ नहीं, अपना मुंह बंद रखो। ए मैडम, किधर चली? चलो इधर आओ, ये क्या है? इसकी जेब से गिरा था। क्या? और तुझे पता है कि अंदर कैंडी ले जाना मना है? नहीं, ये झूठ बोल रही है, मेरे पास कोई कैंडी नहीं है। झूठे, देखो इसके पास घड़ी की जगह कितनी सारी कैंडीज हैं। मैं आपको सब समझा सकता हूँ सर। ये बता, तू जेल की हवा खाएगा बेटा। मेडिसिन, मेडिसिन, मैं आ गई। अब देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। वाओ, गमी बियर के इयररिंग्स, क्या दिमाग लगाए है। अरे और भी है, देखो। ये क्या? लगता है क्लोए की अदा ने किसी का दिल जीत लिया है। बाहर में जाने दो, तुम तो इधर देखो। पेश है, लो सब ले लो, ये भी। चलती हूँ, तुम आराम से खाना, मैं बाद में आती हूँ। वाह, दोस्त हो तो ऐसे। ए, मेरी चीज मुझे वापस करो। अबे हट, कान के नीचे बजा कर दो क्या चिकनी? नहीं। क्लोई ने देखा कि सिक्योरिटी सबका खाना और ड्रिंक्स छीन रही है। उप्स। अरे वाह, रॉड से मछली पकड़ना, मुझे पता है हम खाना अंदर कैसे ले जा सकते हैं। क्लोई अपने बॉयफ्रेंड को अपना प्लान समझा रही है। ये लो और कोई गड़बड़ मत करना, समझे? मछुआरे की टोपी और एक रॉड, पर इसका तुम करोगे क्या? हेलो, ये रहा मेरा पासपोर्ट। काफी घबराई हुई दिख रही हो क्लोए। तुम्हारे पास खाना तो नहीं है ना जी? नहीं जी। रुक जाओ, अपुन को स्कैन कर लेने दो, सब ठीक है, तुम जा सकता है। कोई जरूरी कॉल लगता है? हाँ हाँ जी, नहीं वो मेरा बलमा नहीं है। चलो जल्दी से खाना फेंको। अब जब सिक्योरिटी बात करने में बिजी है, क्लोए ने अपना खाना फेंकने को कहा है और ये सीधा कैच। हाँ, वो आवाज क्या थी? बाल बाल बच गई क्लोए। ओके, एक और फेंको। नहीं कर सकता क्लोए, नहीं, मेरा कांटा फंस गया है। अरे नहीं, ये क्या, पैंट्स कहाँ से आ गई? एंथनी के कांटे से सिक्योरिटी मंजू की पैंट्स निकल गई है। बेचारी मंजू शर्म से लाल हुई और भाग निकली, और इन दोनों का रास्ता हो गया साफ। मैं आ रहा हूँ बेब्स। बाकी सबके भी हामी ले लेते हैं। ए, तुम चिप्स खाता है? तुमको दिखता नहीं कि अंदर खाना ले जाना मना है? लाओ सब हमारे हवाले करो। उड़ी बाबा, सब हट जाओ, ये इमरजेंसी है। ओए, तेरे पीछे पुलिस लगी है क्या? अपुन को दिखा तेरे सूटकेस में क्या है।
हम सब जानता है कि कोरोना फिर से आ गया है। अरे बाबू मोशाय का सूटकेस तो देखो, उसमें से कुछ तो लीक कर रहा है। बंगाली साइंटिस्ट के सूटकेस में सच में कोई ब्राउन लिक्विड गिर रहा है। कहीं उसमें कोई वायरस तो नहीं? कुछ गड़बड़ नहीं है। स्कैन तो करना पड़ेगा जी। सिक्योरिटी मंजू जानना चाहते है कि ब्रीफकेस के अंदर क्या है। ये क्या जानी, तुम अपन से झूठ बोला। अपन अलीबाग का दिखता है क्या तुमको? अरे नहीं, सिक्योरिटी मंजू भी कोई दूध की धुली नहीं है। ए, हमको बेवकूफ बनाती हो। अगर तुम मिष्टी खा सकता है तो हम भी खा सकता है। इधर साइंटिस्ट जी सिक्योरिटी मंजू के साथ बहस में लगे हैं, उधर बाकी दोनों मौका पाकर खाने के साथ अंदर निकल लिए। तुम्हारा पासपोर्ट दे दो जी। अच्छे, आज कितना बीमार लोग आ रहा है यहाँ पर। अच्छे, अब उनको तुम पर ये फेस मास्क लगाना पड़ेगा जी, ऐसे तो सब लोग बीमार हो जाएंगे। डेनियल ने सैनिटाइजर स्प्रे को देखा और उसे आइडिया आ गया कि कैसे वो अपना स्प्राइट अंदर ले जा सकता है। आज मंजू जी काफी बिजी हैं। ये क्या, डेनियल ने तो सैनिटाइजर स्प्रे ही चुरा लिया। आखिर ये उससे करना क्या चाहता है? सबसे पहले हमें जरूरत है एक खाली बोतल की। अब हम इसमें भरेंगे स्प्राइट और सबसे आखिर में ये स्टिकर यहाँ पर चिपका देते हैं, जिससे लगेगा कि इस बोतल में सैनिटाइजर स्प्रे भरा हुआ है। वाह, मजा आ गया। मुझे अपना पासपोर्ट दिखाओ जी। तुम्हारे पास स्नैक्स तो नहीं है ना जी? ए, मैडम पागल हो गई हो क्या? अब उनको पता है तुमने कुछ छिपा रखा है। अरे मंजू जी, ये बस सैनिटाइजर है। अच्छा जी, साफ सफाई रखना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है जी। पर स्प्रे इतना चिपचिपा है कि डेनियल के हाथ चिपक गए हैं। बाय बाय, नमस्ते। हाँ हाँ, अपन के देश में नमस्ते ही कहते हैं। चल अपना पासपोर्ट ले और निकल यहाँ से। हाथ तो चिपक गए इसलिए मुंह से ही उठा लिया। एकदम अजीब सा बलमा है। प्रेग्नेंट लेडी के लिए सफर करना काफी मुश्किल होता है और वो चाहती है कि उसका चेकअप भी जल्दी से हो जाए, पर मंजू को उस पर पूरा शक है। गैब्रियल ने नोटिस देखा कि खाना अंदर ले जाना मना है और अब जब सिक्योरिटी गार्ड मंजू प्रेग्नेंट लेडी की जांच कर रही है, तब गैब्रियल वहां से निकल गया। अरे वाह, ये तो कुछ दिनों में सबको खुशखबरी देने वाली है। गैब्रियल लेडी के पेट की तरफ देख रहा है और अचानक से उसे एक बेहतरीन आइडिया आया। गैब्रियल, ये सच में तुम हो? तुम्हें देखकर सिक्योरिटी समझ जाएगी कि तुम प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रहे हो। प्रेग्नेंट क्या, तुम तो औरत ही नहीं हो। मंजू उसे स्कैन करना तो चाहती है, पर अभी कुछ देर पहले शर्मिंदगी की वजह से उसने ऐसा किया नहीं। अरे पर ये क्या, ओहो ये तो केले के छिलके पर फिसल गया। अरे नहीं, बचो, अपने पेट को बचाओ, बचाओ। शुक्र है अंदर सिर्फ एक तरबूज था। सॉरी, मंजू से पंगा लेता है, चल निकल।